हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूर मोगरे यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास सिक्स के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया जो अर्थ है वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जोन है। यहाँ पे तीन डिफरेंट जो कॉम्पोनेंट्स है, जो अर्थ के इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है, वो मीट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला देखते हैं द सॉलिड पोर्शन। सॉलिड पोर्शन देखिए, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये सॉलिड पोर्शन है जहाँ पे सॉइल होती है, रॉक्स होते हैं, ठीक है, पेड़ जहाँ पे ग्रो करते हैं, इसको हम अर्थ लिथोस्फियर बोलते हैं। फिर एक गैसियस लेयर होती है दैट सराउंड्स द अर्थ एटमोसफेयर, इसको बोलते हैं हम एटमोसफेयर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये गैसेस लेयर होती है, पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। थर्ड होता है वाटर, वाटर यानी कि हाइड्रोस्फेयर। तो इसमें देखिए नोट यहाँ पे क्या है, द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज़ आइस वाटर एंड वाटर वेपर। यानी कि हमारे अर्थ में जिस भी तरह से वाटर अवेलेबल है, चाहे वो रिवर्स में है, चाहे आइस कैप्स में है, चाहे वाटर वेपर के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में वाटर है, वो सबको हम किस में इंक्लूड करते हैं? हाइड्रोस्फेयर में इंक्लूड करते हैं। अब देखिए बायोस्फेयर क्या है। बायोस्फेयर इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो आपको बायोस्फेयर याद रखना है। देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं बायोस्फेयर क्या है। देखिए ये एरिया है, ये बायोस्फेयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी मिलता है, यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर भी मिलता है, यहाँ पे लिथोस्फेयर भी मिलता है। तो यानी कि जहाँ पे तीनों ही चीज़ें मिलती हैं, इंट्रैक्ट करती है, उसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं। और लाइफ जो सस्टेन हो सकती है वो कहाँ पे हो सकती है? बायोस्फेयर में, क्योंकि लाइफ जीने के लिए हमें पानी भी चाहिए और लिथोस्फेयर भी चाहिए और हवा भी चाहिए, यानी कि एटमोसफेयर भी चाहिए। अब देखिए लिथोस्फेयर क्या होता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। आपको सॉलिड पोर्शन याद रखना है। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो क्या क्या होता है इसमें? रॉक्स होते हैं, थिन लेयर्स ऑफ सॉइल होती है, यानी सॉइल, रॉक्स, और जिसमें डिफरेंट, इसमें ना क्या होता है कि इस सॉइल, इसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स या अदर लाइफ फॉर्म्स को सस्टेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। देखिए इसके दो डिविजन्स हैं, ठीक है। अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें, लिथोस्फीयर की बात करें, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। क्या है? पहला है एक लैंडमास जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं। और दूसरा पार्ट है ह्यूज वाटर बॉडी जिसको हम बोलते हैं ओशन बेसिन्स। तो देखिए पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है। तो ये पूरा ही जो अपर लेयर पार्ट है ये है लिथोस्फीयर। इसमें दो डिविजन्स हो गए, एक हो गए कॉन्टिनेंट्स, एक हो गए वाटर बॉडीज। नोट द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो वाटर का, देखिए जो सी होता है, तो सी का, सी वाटर जो होता है उसका लेवल हर जगह सेम होता है, ठीक है, वेरी नहीं करता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। तो देखिए हम जब भी लैंड का एलिवेशन मेजर करते हैं, हम जब पीक्स का या माउंटेन्स का एलिवेशन देखते हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं? वो मेजर करते हैं लेवल ऑफ द सी। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी देखिए बात हुई कि जो सी का लेवल है वो हर जगह सेम होता है, जिसको हम ज़ीरो लेते हैं, ठीक है, विच इज़ टेकन एज अ ज़ीरो। तो वहाँ से हम कितनी एलिवेटेड लैंड है उसको मेजर करते हैं। फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट में हाईएस्ट माउंटेन पीक जो कि माउंट एवरेस्ट है, वो कितना अबव द सी लेवल है? 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये आप देखिए देख सकते हैं, ये अबव द सी लेवल कितना है? 8848 मीटर्स, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है मरियाना ट्रेंच। क्या है? ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। तो देखिए जो पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच है, ये डीपेस्ट माउंटेन है, और आप देख सकते हैं इसकी कितना हाइट है, 11,022 मीटर्स बिलो सी लेवल, ठीक है, ये सी लेवल के बिलो है। तो बिलो सी लेवल इतना ज़्यादा डीप है, एंड अबव सी लेवल इतना ज़्यादा ये हाइट पे माउंट एवरेस्ट। ओके, आप देखिए कॉन्टिनेंट्स करते हैं, हमारे टोटल जो कॉन्टिनेंट्स है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कब? तो फर्स्ट यहाँ पे एशिया है जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अर्थ का 1/3 लैंड एरिया, पे लैंड एरिया की बात करेंगे, लैंड एरिया एशिया कवर करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए पूरे ग्रीन जो पार्ट है यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये पूरा क्या है? एशिया है।
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, इंडिया से भी होकर पास करता है. एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट. तो देखिए एशिया और यूरोप यहाँ पे जो ये सेपरेटेड है, यहाँ पे कौन से माउंटेन्स है, यूरल माउंटेन्स से सेपरेटेड है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि यूरोप एशिया के वेस्ट में है और किससे सेपरेटेड है, यूरल माउंटेन से सेपरेटेड है. द कम्बाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज नोन एज यूरेशिया. तो देखिए जब हम इस पूरे पार्ट को देखते हैं, यूरोप एंड एशिया को देखते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं. यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया. यूरोप पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में है यूरोप. द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट. ठीक है, यहाँ से देखिए आर्टिक सर्कल पास करता है. इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स. ठीक है, थ्री साइड्स यानी कि यहाँ पे एंड यहाँ पे. ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है और ये अटलांटिक सी है. तो थ्री साइड्स में इसके क्या है, वाटर बॉडीज हैं. सेवन मेजर कॉन्टिनेंट्स सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज. देखिए सात मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि लार्ज वाटर बॉडीज से सेपरेटेड है. कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखें तो ज़्यादा लैंड कहाँ पे है, ये देखिए ये हो गया. तो ज़्यादा लैंड कहाँ पे है, नदर्न हेमिस्फीयर में है. एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा वाटर बॉडी है. ठीक है, अफ्रीका आप देखते हैं, हमने फर्स्ट जो कॉन्टिनेंट एशिया लार्जेस्ट कर लिया, सेकंड है अफ्रीका, ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इक्वेटर या ज़ीरो डिग्री लैटिट्यूड इससे मिडिल से होकर गुजरता है. आप देखिए आप इमेज में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं. अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर. देखिए ये इक्वेटर है, ये अफ्रीका के बिल्कुल मिडिल से होकर गुजर रहा है. लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इसका ज़्यादा पार्ट जो है, ये मेन पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. तो इसका जो मेजर पार्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास. तो देखिए तीनों यहाँ से होके पास कर रहा है, कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ पे तीनों ट्रॉपिक्स पास करते हैं. द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड्स, दो ट्रॉपिक एंड इक्वेटर पास करता है, सॉरी. द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका. तो सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का हॉट लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वो भी कहाँ पे, अफ्रीका में है. एंड द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज. अब देखिए जैसे यूरोप थ्री साइड से बाउंडेड था बाय ओशन एंड द वाटर बॉडीज, अफ्रीका के चारों साइड्स जो हैं वो वाटर बॉडीज से हैं. यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन है, मेडिटेरियन सी है, इधर इंडियन ओशन है. वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, आपको याद रखना है वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गेस्ट रिवर है, नाइल रिवर, वो भी कहाँ पे फ्लो करती है, अफ्रीका में फ्लो करती है. ये वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा. देखिए ये जो है आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये जो नैरो लैंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करती है, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा. द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, जो कि प्राइम मेरिडियन जीरो लॉन्गिट्यूड के वेस्ट साइड में, उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. तो ये कम्प्लीटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है नॉर्थ अमेरिका. अब देखिए इस्थमस क्या होता है, ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, यानी कि बहुत पतली सी एक लैंड होती है जो दो लैंड, ह्यूज लैंड मासेस को कनेक्ट करती है. तो देखिए ये इस्थमस ऑफ पनामा है, ये बहुत एक पतली सी नैरो सी लैंड है जो कि दो बड़ी लैंड मासेस को कनेक्ट करे, तो उसको बोलते हैं इस्थमस. ठीक है, और इस एरिया को बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा. आप अपने जो मैप है उसमें इस एरिया को लोकेट क्लियरली कर सकते हैं. साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कम्प्लीटली देख सकते हैं आप, देखिए ये है. तो साउथ अमेरिका कम्प्लीटली कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में है. द एंडीज जो है ये वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है. तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी, एंडीज में है. ये भी कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में है. इट रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ही मैं अभी आपको इमेज में दिखाऊंगी, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडीज माउंटेन्स जो है, ये देखिए नॉर्थ से पूरा यहाँ साउथ तक है. तो ये पूरा नॉर्थ टू साउथ, पूरा साउथ अमेरिका को कवर करती है एंडीज माउंटेन्स. इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेज़न रिवर.
अब देखिए कि लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पे है। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, जो कि साउथ अफ्रीका, सॉरी, जो कि अफ्रीका में है। उसी तरह वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेजन रिवर, और ये कहाँ पे है, ये है साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये एंटायरली कहाँ पे लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। आप इसको यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज। तो यहाँ पे इसके चारों साइड्स कौन से हैं, ये हर एक जगह से ओशन एंड सीज से सराउंडेड है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि देखिए, जब आप इसको मैप में अच्छे से लोकेट करेंगे तो दूर दूर तक आपको बस वाटर बॉडीज ही देखने को मिलेगी, और इसके चारों साइड ये वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका भी कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। साउथ पोल, देखिए यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, साउथ पोल है। साउथ पोल कहाँ पे लाई करता है, इसके सेंटर में है। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। मैनी कंट्रीज, देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ का एंटार्क्टिका में रिसर्च स्टेशन है। जैसे इंडिया का भी यहाँ पे दो रिसर्च स्टेशन है, एक है मैत्री, एक है दक्षिण गंगा। उसमें से मैं आपकी एक फ़ोटो दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इंडिया का यहाँ पे एक रिसर्च स्टेशन है, इसका नाम मैत्री है। करेंगे हाइड, ठीक है, हमारा कॉन्टिनेंट्स कवर हो गया। अब हम करेंगे हाइड्रोस्फीयर। अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। देखिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट अर्थ का जो है वो ओशंस एंड सीज रिवर से, यानी कि पानी से कवर्ड है। तो स्पेस से जब देखते हैं तो वो पूरा ब्लू दिखता है, इसीलिए उसको साइंटिस्ट ने ब्लू प्लैनेट बोलना शुरू कर दिया। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। ठीक है, अर्थ का 71% से ज़्यादा जो पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है। अगर हम लैंड देखें तो लैंड कितना है, ओनली 29% है। तो देखिए 70, मोर देन 71% वाटर हो गया, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो ब्लू प्लैनेट ही लगेगा। अब इसमें भी जितना देखें, 71% से भी ज़्यादा अगर आप देखें, तो इसमें भी मोर देन 97% जो पानी है वो ओशंस में पाया जाता है। तो देखिए, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द वाटर जो है वो हमारे यूज़ का है ही नहीं। ठीक है, हम उसको यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि ओशंस में सॉल्टी वाटर है। तो मोर देन 97% ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द ओशन विच इज़ ऑफ नो यूज़। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। इसके बाद का जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो किसके फॉर्म में, आइस शीट्स के फॉर्म में है या ग्लेशियर्स में है। और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो है ग्राउंड वाटर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। उसके बाद जो काफ़ी कम बचा हुआ फ्रेश वाटर है वो ह्यूमन्स के लिए अवेलेबल है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वाटर को आप प्रिजर्व करिए, आने वाले टाइम में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। तो हो सके तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो देखिए इमेज में आप देख सकते हैं कि ओशन वाटर पूरा कितना है, 97% अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल यूज़ का है नहीं। फ्रेश वाटर अराउंड 3% है। 3% में हम ग्लेशियर देखें तो इस 3% का अराउंड 70% तो ग्लेशियर आइस शीट्स में, जिसको हम जब तक तो वो मेल्ट ना, हम यूज़ कर नहीं सकते। रिमेनिंग 29% अंडरग्राउंड है। ठीक है, अब रिवर्स या लेक्स में लेस देन 1% पानी अवेलेबल है, उसी को हम यूज़ करते हैं। दे आर ओशंस, ओशंस जो है दे आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पार्ट है ओशन कवर करता है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। आप पिक्चर में देख सकते हैं जितने भी ओशंस, देखिए पैसिफिक ओशन इंटर कनेक्टेड होगा यहाँ से, अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन, ये तो जितने भी देखिए ओशंस हैं ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। तो देखिए ओशन के जो वाटर है वो हमेशा वेव्स, टाइड्स के फॉर्म में हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है, करंट्स के फॉर्म में वो मूव करता रहता है, जैसे कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स होते हैं, तो उसके फॉर्म में ओशन वाटर्स हमेशा मूव करता रहता है। सो ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, दे आर नॉट स्टैग्नेंट। तीन इसके चीफ मूवमेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक है वेव्स, सेकेंड है टाइड्स, थर्ड है ओशन करंट्स। इसके लिए हम फर्दर करेंगे इसमें, अभी क्लास सिक्स में आपके इस चीज़ से रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन जब हम लोग 9 या 10th के स्टैंडर्ड के बुक पढ़ेंगे तो उसको हम वेव्स क्या है, टाइड्स क्या है, ओशन करेंट्स क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 मेजर ओशंस है, जिस तरह से 7 कॉन्टिनेंट्स है उस तरह से 5 मेजर ओशंस हैं। पहला है पैसिफिक ओशन, फिर है अटलांटिक ओशन, फिर है इंडियन ओशन, फिर है सदर्न ओशन, एंड देन द स्मॉलेस्ट वन इज़ आर्कटिक ओशन। ये इसके ऑर्डर साइज में है। ठीक है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक, आप इसको इमेज में देख सकते हैं।
पहला है पैसिफिक ओशन, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। अर्थ में जो पानी है उसमें 1/3 जो एरिया है वो पैसिफिक ओशन ने कवर किया हुआ है। मरियाना ट्रेंच अभी हमने देखा था, जो कि अराउंड 11,000 बिलो द सी लेवल है, ठीक है। वो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो भी पैसिफिक ओशन में लाए करता है। पैसिफिक ओशन का अगर आप शेप देखेंगे तो वो सर्कुलर शेप है, आपको मरियाना ट्रेंच याद रखना है, आपको अभी मरियाना ट्रेंच याद रखना है जो कि डीपेस्ट पार्ट है। सेकंड जो पैसिफिक ओशन है उसका शेप के सर्कुलर शेप है, आप देखिए देख सकते हैं ये पूरा है ना, तो ये काइंड ऑफ सर्कुलर शेप में है। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है एंड इधर साउथ अमेरिका है, ये इसको सराउंड करता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन कहाँ से ज़्यादा स्प्रेड है, ठीक है। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। इसका अगर आप शेप देखेंगे तो इसका शेप एस के शेप में है, ये देखिए ये शेप बन रहा है इसका, ये एस के शेप में है। इट इज़ फ्लैंक बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, तो देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका इसके वेस्टर्न साइड में, ये देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है या साउथ अमेरिका है इसके वेस्टर्न साइड में। इसके ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है, तो इसको चार कॉन्टिनेंट्स जो है वो इसको सराउंड करते हैं। देखिए जो अटलांटिक ओशन है ये हाईली इंडेंटेड है, ठीक है, मतलब इसकी जो कोस्ट लाइन है वो इरेग्युलर है, इरेग्युलर है, इसीलिए ये बहुत ही एक आइडियल लोकेशन है फॉर नेचुरल हर्बर्स एंड पोर्ट्स, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको पोर्ट देखने के मिलेंगे। एंड अगर हम कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स एक्टिविटी, इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी देखिए ट्रेड होता है शिप्स के थ्रू, तो सबसे ज़्यादा शिप कहाँ से जाता है, अटलांटिक ओशन से होके गुजरता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि अगर हम कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिजिएस्ट ओशन है। सबसे ज़्यादा कॉमर्स एक्टिविटी, ट्रेड एक्टिविटी इस ओशन में होती है, सब ओशन है। इंडियन ओशन देखें तो इंडियन ओशन ही वर्ल्ड का ऐसा ओशन है जिसको किसी एक कंट्री के नाम के बाद नाम दिया गया है, दैट इज़ इंडिया। इसका शेप देखें तो ये ऑलमोस्ट ट्राइंगल है, मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये पूरा इंडियन ओशन है, ये देखिए, ठीक है, तो इसका एक ट्राइंगल शेप है। नॉर्थ में आप देख सकते हैं तो नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में इसके अफ्रीका है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये इंडियन ओशन। सदर्न ओशन देखे तो सदर्न ओशन है, इट एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड। तो जो सदर्न ओशन है, सदर्न ओशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सदर्न ओशन जो है ये किसको कवर करता है, ये एनसर्कल करता है, यानी कि सराउंड करता है एंटार्क्टिका को, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को ये सराउंड करता है, और फर्दर 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी कि जहाँ पे आर्टिक सर्कल है, अराउंड आर्टिक सर्कल तक का ये एक्सटेंड करता है। ये आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है, आप इमेज में आर्कटिक सर्कल देख सकते हैं, एंड सराउंड्स अ नॉर्थ पोल, और ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है, कवर करता है, एनसर्कल करता है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शेलो वाटर नोन एज बैरिंग स्ट्रेट। देखिए ये बैरिंग स्ट्रेट है, तो ये जो बैरिंग स्ट्रेट है ये एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी है, जिस तरह से हमने इस्थमस देखा था वो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, वैसे जो बैरिंग होता है ये नैरो जो स्ट्रेट होता है, ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है, ये नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये नैरो स्ट्रेच ऑफ शेलो वाटर है, ये किस किस को कनेक्ट करता है, इधर है पैसिफिक ओशन और इधर है आर्कटिक ओशन, तो ये आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जो बेरिंग स्ट्रेट है वो कनेक्ट करता है। तो आपको याद रखना है कि बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, ये देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये बेरिंग स्ट्रेट है, तो बेरिंग स्ट्रेट पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, आप चाहे तो अपने मैप में भी इसको लोकेट कर सकते हैं। इट इज़ बाउंड बाय नदर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, ठीक है। देखिए ये नदर्न अमेरिका है, ठीक है, कनाडा वाला पार्ट, एंड नॉर्थ अमेरिका और इधर है, ये देखिए ये है यूरेशिया, तो यूरेशिया को एंड ये जो आर्टिक ओशन है, आर्टिक ओशन किस किस से सराउंडेड है, दो कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है, एक है एक साइड में नॉर्थ अमेरिका से और एक साइड में यूरेशिया से, ठीक
पे क्या है देखिए, चलिए एटमॉस्फेयर करते हैं। तब हम एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर क्या है देखिए, जो डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, जहाँ से हमें इंपॉर्टेंट गैसेस मिलती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इट इज़ अ लेयर सराउंडेड बाय द गैसेस। एंड इसमें देखिए इंपॉर्टेंट गैसेस है जो हमको ब्रीथ करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, या देखिए स्ट्राटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, या भी देख सकते हैं ओजोनोस्फेयर जहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमें क्या करती है, ये जो हार्मफुल रेडिएशंस सन से जो आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो यहाँ पर हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं वो उसको रेडिएट बैक करती है, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो अर्थ में उसको आने नहीं देती है। देखिए अर्थ जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक एक्सटेंडेड है, उसकी हाइट है अप टू 1600 किलोमीटर्स तक वो एक्सटेंडेड है। इसको हमने कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसको हमने 5 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी लेयर्स है, एक है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर। तो देखिए जनरली क्या फिनोमिना होता है, हमने जैसे यहाँ पे टेम्परेचर की बात करी है, तो जैसे आप हाइट के साथ ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा, इंक्रीज इन हाइट, डिक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन ये इन्वर्स हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्स टेम्परेचर इन्वर्जन। तो कभी कभी क्या होता है, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। तो ये जो लेयर्स है इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट जो क्लास है उसके 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको बस इतना पढ़ना है कि जो एटमॉस्फेयर है 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो 99% जो एयर है वो इन दो गैसेस की बनी हुई है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन अराउंड 21% है। रिमेनिंग 1% गैसेस जो है वो है नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो हमारे लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी ब्रीथ द ऑक्सीजन। एंड वैसे ही नाइट्रोजन जो है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं वो सारी ही इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी माइन्यूट अमाउंट में, काफ़ी कम मात्रा में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। देखिए क्या होता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में। जो सन की जो रेडिएशंस आती है जिनको हम इनकमिंग रेडिएशंस बोलते हैं, अर्थ उसको एब्जॉर्ब करता है। तो जो इनकमिंग रेडिएशंस होती हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इनकमिंग रेडिएशन का ओपेक होता है, यानी कि जो रेज है वो उसको क्रॉस कर जाती है, अर्थ पे आती है, अर्थ उससे हीट हो जाता है। तो देखिए जो अर्थ की हीट होती है, अर्थ इस रेज को रात में रेडिएट बैक करता है, ठीक है। तो रात में जो रेडिएशन से ये वापस जब जाती हैं, तो अब जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आउटगोइंग रेडिएशंस जो होती हैं उनको, उनसे वो ओपेक नहीं होता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर वो जो हीट है वो कभी जा नहीं पाती है। इस तरह से जो CO2 है वो हमारे अर्थ को क्या करता है, वार्म इफेक्ट देता है। तो देखिए कुछ हद तक ये सही है, लेकिन CO2 जिस तरह से एक्सेस में बढ़ता जा रहा है, अगर वो एक लिमिट क्रॉस कर देगा तो क्या होगा, हमारा जो ग्लोब है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, जिसके लिए हमने एक नया टर्म लेके आया, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग अदर गैसेस की वजह से भी होती हैं, बट इसका सबसे मेजर फैक्टर जो है वो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी डेंसिटी के जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी जो होती है वो हाइट के साथ वेरी करती है, यानी कि चेंज करती है। मैक्सिमम उसकी डेंसिटी सी लेवल पे होती है, और जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाइट पे जाएंगे तो उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। क्यों ऐसा होता है, देखिए जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो, फिर उसके बाद देखिए जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उस पर, ठीक है, कुछ आइसी पार्टिकल्स होते हैं उस पर, तो ये सब जो होता है इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस होता है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट में जाते हैं वैसे वैसे जो ये जो गैसेज है प्रेजेंट जो होती है एटमॉस्फेयर में, ये कम होती जाती है, तो क्या होगा, डेंसिटी भी कम हो जाएगी। इसीलिए इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, डिक्रीज इन डेंसिटी। तो देखिए एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, ये भी वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो होता है प्रेशर डिक्री इंक्रीज होता रहता है, लोअर एटीट्यूड से प्रेशर लो रहता है। तो क्या होता है कि जनरली फिनोमिना क्या है, जो हवा होती है और विंड जो होती है, विंड को हम क्या बोलते हैं, जो मूविंग एयर है, एयर जब मूव करती है उसको हम बोलते हैं विंड।
ठीक है, स्टैगनेंट हो गया एयर, मूविंग हो गया विंड, तो विंड क्या पैटर्न फ्लो अपना फॉलो करती है, यानी कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से, विंड हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ जाती है, लो प्रेशर में मूव करती है। बायोस्फेयर पढ़ते थे कि बायोस्फेयर को बोला गया डोमेन ऑफ लाइफ, क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो एनवायरनमेंट के पार्ट है, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमोसफेयर, बायोस्फेयर में मिलते हैं, और जहाँ पे ये मिलते हैं वहीं पे ही लाइफ सस्टेन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम हवा के बिना रह लें, तो हमें पानी नहीं चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, तो ऐसा वैसे ही हमें रहने के लिए लिथोस्फेयर जहाँ पे प्लांट्स उगेंगे तो वो भी चाहिए। सर तीनों ही डोमेन्स इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों ही लाइफ जहाँ पे सस्टेन करती है, कहाँ पे, बायोस्फेयर में, जहाँ पे तीनों डोमेन्स इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर। तो देखिए ये तीनों ही जिस तरह से इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड है तो एक दूसरे को ये अफेक्ट भी करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नेचुरल कैलमिटी की बात करें, लाइक अर्थक्वेक, तो देखिए जैसे 2005 में सुनामी आया था तो क्या हुआ था, हाइड्रोस्फेयर इफेक्ट हुआ था, तो उसकी वजह से लिथोस्फेयर भी इफेक्ट हुआ था। कैसे हुआ था, क्योंकि कुछ जैसे अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज थे, लैंड एरियाज थे जो पानी में डूब गए थे, सबमर्ज हो गए थे। तो यानी कि ऐसे जब नेचुरल कैलमिटीज आती हैं तो एक डोमेन दूसरे डोमेन को फॉर श्योर इफेक्ट करता है। यहाँ पे हम सेकेंड एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं, जैसे देखिए हम वेस्ट मटेरियल्स जो है डिस्चार्ज करते हैं रिवर्स में, तो उसके थ्रू क्या होता है, वो एट दी एंड कहाँ पे जाता है, ओशंस में जाता है। जैसे अभी आपने प्लास्टिक्स देखा होगा, तो प्लास्टिक्स जो हम लिथोस्फेयर में डिस्पोज करते हैं रनिंग वाटर, जैसे वो रिवर्स में आता है, रिवर से वो फाइनली ओशंस में आता है, ओशंस के बाद वो वहाँ पे जो मरीन लाइफ फॉर्म्स हैं उनको अफेक्ट करता है, तो ये भी इंटरकनेक्टेड हो गया। वैसे अगर हम एटमोसफेयर की बात करें तो हम देखिए हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या अदर इंडस्ट्रियल्स हैं, तो वो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन एक लिमिट क्रॉस होने के बाद यस डेफिनेटली इट इज़ हार्मफुल। क्यों, हमने बात की थी, क्योंकि वो अपना वार्म इफेक्ट देता है। ठीक है, तो जैसे CO2 हो गया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, सारे हार्मफुल गैसेज हैं। तो देखिए ये एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर को पल्यूट करते हैं, पल्यूट करते हैं तो हम इसको ब्रीथ करते हैं। तो ये तीनों ही डोमेन्स जो हैं ये इंटरकनेक्टेड है, एक को अफेक्ट होगा तो डेफिनेटली दूसरा भी अफेक्ट होगा। तो चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज एंडीज, हिमालयस एंड यूरल्स, आंसर है सी यूरल्स। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन लिंक करता है, एनिस्थमस स्ट्रेट या कैनाल, आंसर है एनिस्थमस, उसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमोसफेयर बाय परसेंटेज इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, आंसर है ए नाइट्रोजन। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज, तो कौन सा ऐसा डोमेन है जहाँ पे सॉलिड रॉक्स या थिन शीट ऑफ सॉइल होती हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, आंसर है थ्री लिथोस्फेयर। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो एशिया जो है वो क्या है, सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट है, एंड मेरे जो ये सीरीज़ है इससे आप अपडेटेड रहिए। हम इसको 12th तक के जो NCERT तब तक कवर करेंगे, कंप्लीट ज्योग्राफी का ये हमारा क्रैश कोर्स है, और आप ट्राई करिए कि आप अपने फ्रेंड्स में भी इस कोर्स को आप स्प्रेड करिए। थैंक यू एवरीवन एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन।